स्वागत है आपका एक बार फिर से श्री बालाजी कंप्यूटर्स में। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी विंडोज 7 को जेन्युइन विंडोज बना सकते हैं विदाउट एनी एक्टिवेटर और विदाउट एनी लोडर। कई बार ऐसा होता है कि हम विंडोज 7 तो इंस्टॉल कर लेते हैं अपने कंप्यूटर में, लेकिन वो विंडोज 3 दिन के लिए या 10 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए वो विंडोज ट्रायल वर्जन पे होती है, और एक हफ्ते के बाद हमारी जो विंडोज है उसका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल ब्लैक कलर का हो जाता है, और हमें जो यहाँ पर क्लॉक के पास एक मैसेज आना शुरू हो जाता है कि योर कॉपी ऑफ विंडोज इज नॉट जेन्युइन। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी विंडोज को जेन्युइन बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है, विंडोज इंस्टॉल करने के बाद आप माई कंप्यूटर पर क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टीज में जाइए। प्रॉपर्टीज में जब हम जाते हैं, अभी आप यहां पर देख सकते होंगे कि यहां सबसे नीचे विंडोज एक्टिवेशन में लिखा हुआ आ रहा है कि विंडो इज एक्टिवेटेड, लेकिन जब हम विंडोज 7 को इंस्टॉल करते हैं तो यहां पर लिखा हुआ आ रहा होता है कि योर विंडोज इज 3 डेज ट्रायल, 1 वीक ट्रायल और 10 डेज ट्रायल, यानी कि आपकी जो विंडोज है वो ट्रायल वर्जन होती है, वो एक्टिवेट नहीं होती, और बहुत ही जल्द ये मैसेज हमारी स्क्रीन पे भी आना शुरू हो जाता है। इसके लिए 2 ऑप्शंस होते हैं जिससे कि आप अपनी विंडोज को एक्टिवेट कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो ये होता है कि आपके पास विंडोज को एक्टिवेट करने का कोई ना कोई एक्टिवेटर होना चाहिए या एक ऐसा लोडर होना चाहिए जो विंडोज की रजिस्ट्री सेटिंग्स को चेंज कर दे और आपकी जो विंडो है वो एक्टिवेट हो जाए। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हम माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद हम मैनेज पर क्लिक करते हैं, मैनेज पर क्लिक करने के बाद हमारे यहाँ पर कंप्यूटर मैनेजमेंट की जो विंडो है वो ओपन होकर आ जाती है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे सर्विसेज एंड एप्लीकेशन पर, सर्विसेज और एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद हम क्लिक करेंगे सर्विसेज पर। जब हम सर्विसेज पर क्लिक करते हैं तो विंडोज की जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो हमारे पास यहाँ पर ओपन होके आ जाती हैं। यहाँ पर हम सीधे विंडोज की सर्विसेज पर जाएंगे, आप W प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से और आप सीधा विंडोज की सर्विसेज पर पहुंच जाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 चीजों का ध्यान रखना है। आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर लिखा हुआ आ रहा है विंडोज अपडेट। सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट कीजिए और ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि स्टार्टअप टाइप ऑटोमेटिक, यहां पर आप इसको डिसेबल कर दीजिए, और यहां पर नीचे लिखा आ रहा हुआ है सर्विसेज स्टेटस स्टार्टेड, यहां पर आप इसको स्टॉप कर दीजिए। स्टॉप करने के बाद आप इसको ओके कर दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो विंडोज अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं वो कंपैटिबल विंडोज होती हैं, तो हम इनको अपडेट नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे पहले आपको विंडोज की जो अपडेट की सर्विसेज है, सबसे पहले आपको उसे स्टॉप करना होता है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम विंडोज की जो एक्टिवेशन की सर्विसेज है उसको स्टॉप कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऊपर जाना होगा, अब आप देख सकते हैं कि हम यहां पर जो सॉफ्टवेयर की प्रोटेक्शन सर्विसेज हैं, जो नोटिफिकेशन की सर्विसेज हैं सिस्टम की, हम यहां पर पहुंच सकते हैं। यहां पर पहुंचने के बाद हम सबसे पहले क्लिक करेंगे सिस्टम इवेंट नोटिफिकेशन सर्विसेज, इसको भी आप यहां पर डिसेबल कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जब भी विंडोज का कोई नया अपडेट अवेलेबल होता है या विंडोज में जैसे हम कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जा रहे हैं जो कई बार विंडोज के लिए लिटिल बिट हार्मफुल होता है, तो हमें विंडोज की तरफ से एक नोटिफिकेशन मिलती है कि आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना करें, तो आप ऐसी हर तरह की जो नोटिफिकेशन सर्विस है वो आप यहां से डिसेबल कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे डिसेबल नहीं करूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन। सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन को आप डबल क्लिक करके ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आप यहां पे इसको डिसेबल कर दीजिए और एज इट इज इसको आप स्टॉप कर दीजिए, और स्टॉप कर दीजिए यहां पे। अब जब हमने इसको डिसेबल और स्टॉप कर दिया तो आप उसके बाद अपना कंप्यूटर या अपना लैपटॉप जिसमें भी आपने विंडोज 7 इंस्टॉल की है आप उसको रीस्टार्ट कीजिए, और आप देखेंगे कि आपका जो 3 डेज ट्रायल या 7 डेज ट्रायल जो यहां पर लिखा हुआ आ रहा था वो आपका
यहां पर हट जाएगा और आपकी जो विंडो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। दिस इज 100% वर्किंग ट्रिक, आप इसे किसी भी सिस्टम पर यूज कर सकते हैं और आपकी जो विंडोज हैं वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी विंडोज को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि आप कैसे अपनी विंडोज 8.1 को एक्टिवेट कर सकते हैं और विंडोज 10 को एक्टिवेट कर सकते हैं। हमारी जितनी भी वीडियोस होती हैं वो टेक्निकल वीडियोस होती हैं, तो आप कृपया करके हमारी वीडियोस को एंड तक देखें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और इसकी जानकारी आपके लिए यूजफुल है तो आप प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस जानकारी का फायदा उठा सके। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑन वीडियोस। एंजॉय द वीडियोस। बाय बाय।